What is going on YouTube? I am back with another video. दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं JBL के BT460 हेडफोन्स ओवर दी हेड हेडफोन्स जो होते हैं उनकी, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको बता दूंगा बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं और इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। अनबॉक्सिंग नाइफ देना। अबे चूतिए, ये कैन ओपनर है, इसी से काम चलाओ। ये देख लो, ऐसे लोग हैं, नाइफ बोली थी, कैन ओपनर ले आए हैं। यार किससे क्या अनबॉक्सिंग करूंगा। कुछ नहीं है बे, अरे हाँ खाली है। ये था दोस्तों इसका ये बिल अमेज़ॉन का जो मुझे मिला है। ये मुझे करीब करीब लगा लीजिए 2000 रुपये का पड़ चुका है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, आप देख लीजिए, 2000 रुपये का मुझे ये पड़ा है। ये है JBL बाय हमन के T460 BT ओवर दी हेड वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स, जिसका प्राइस है 3500। यहाँ पे कंटेंट में दिया गया है और पैकेजिंग से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। इसमें जैसे कि मैं आपको दिखा दूं इसको हटा के, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये रहा बॉक्स, काफ़ी प्रीमियम किस्म का बॉक्स लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। JBL की ब्रांडिंग हर जगह है, ऊपर लिखा गया है प्योर बेस के साथ, साइड पे लिखा गया है मेड फॉर द बिगेस्ट स्टेज, वी ब्रिंग म्यूजिक टू लाइफ इन अ वे यू फील। अच्छा ऐसा भी होता है, वाओ एक्सीलेंट वर्क। ये देख लीजिए, कुछ ब्लूटूथ दिया गया है, यहाँ पे लिखा है JBL प्योर बास साउंड सिस्टम, 11 आवर बैटरी बैकअप लाइफ दी हुई है, म्यूज़िक कंट्रोल ऑन एयर कप दिया गया है, लाइट वेट एंड फोल्डेबल डिज़ाइन। वैसे अभी तक इस प्राइस रेंज में मेरे को ये सबसे बढ़िया लगे, क्योंकि 2000 रुपये में ये पूरे पैक हो जाते हैं, अच्छे हैं काफ़ी, डिज़ाइन भी अच्छा लगा मुझे इनका। चलो इसको खोलते हैं, सील को तोड़ते हैं और देखते हैं कि अंदर हेडफोन्स कैसे हैं। लाए हो तुम यही कैन ओपनर ही, अब इसी से करेंगे गिव अवे करने वाला हूँ इसका भी मैं, कैन ओपनर का, तो तैयार रहना गिव अवे के लिए। तो ये ऐसे बॉक्स है, ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स हमें प्रोवाइड किया गया है, प्लास्टिक का, जैसे कि इस पे भी मॉडल नंबर और सीरियल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। इसको हम ओपन करते हैं, इसमें कुछ बॉक्स उछलता ही बाहर गिर गया एक इसका, इसमें मेरे को लगता है कुछ पेपर वर्क है, कुछ ज़्यादा ही पेपर वर्क है, वारंटी कार्ड्स वगैरह हैं। अरे बस कर, ख़त्म ही नहीं हो रहा। वारंटी कार्ड ये है, इसकी यूज़र मैनुअल है शायद, ये हैं कुछ वारंटी कार्ड्स और इसके जो दिए गए हैं JBL बाय हमन के, और एक और कुछ लगता है, 3-4 लोगों का सामान इसी में डाल दिया है। एक USB माइक्रो USB केबल भी दी गई है इसको चार्ज करने के लिए, बहुत ही हल्की क्वालिटी की केबल लग रही है। चलो, और ये है मेन बॉक्स में, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता है, खाली का खाली बॉक्स है। बस एक ही हेडफोन्स अंदर दिए गए हैं, JBL के T460 BT, जो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अच्छा सील दी गई है, ओह सॉरी माय बैड। इसको हम तोड़ते हैं अपने स्टाइलिश से अनबॉक्सिंग नाइफ के साथ। अच्छा ये भी था मैकेनिज्म, ओके। आज हमारे साथ वीडियो में हमारा दोस्त है, मेरा फ्रेंड देव है, जो जिसको हम ये हेडफोन्स बना के दिखाएंगे और उस पर ये कैसे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं या नहीं। म्यूज़िक क्वालिटी भी चेक करेंगे, कनेक्ट करके भी देखेंगे फ़ोन के साथ, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के साथ हम इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करेंगे कि आईफोन के साथ अच्छी आती है या एंड्रॉयड के साथ ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये हैं काफ़ी स्टाइलिश से, प्लास्टिक ओवरव्यू की बात की जाए तो ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ हेडफोन नहीं दी गई हुई है, और ये कुछ मेमोरी फोम की तरह इधर हमें मिल जाता है कि जैसे कि कुछ भी हम इसको दबा रहे हैं वापस वैसे हो रहा है। ये ऐसे पैक हो जाते हैं और आप इनको ऐसे करके भी काफ़ी, मतलब फोल्डेबल फ्लेक्सिबल डिज़ाइन सा दिया गया है। JBL की ब्रांडिंग दोनों तरफ ही एयर कप्स के बैक साइड पे दी गई है, थोड़े ऐसे आप टिल्ट भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, 5-6 वेज एडजस्टेबल डिज़ाइन का है ये, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ।
और साइड पे ही डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं राइट साइड पे, जिसमें वॉल्यूम अप डाउन, प्ले पॉज और पावर ऑन ऑफ का बटन है, एलईडी इंडिकेटर्स हैं, माइक्रोफोन है, सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है आपको कि आपको कि कैसे कंट्रोल्स वो करने हैं। चलो पहले अब इसको हम ऑन करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कोई गाना लगा के कि कैसी इसकी क्वालिटी आती है। ये रहा मेरा फ़ोन और मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ, पेयरिंग मोड भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ऐसे इसको करके हमें ऑन करना है। जैसे देखिए एलईडी फ्लैश होने शुरू हो गई है, अब ये पेयरिंग मोड में है। यहाँ पे आ गया है कि JBL T460 ब्लूटूथ हेडफोन्स, अब ये हो चुके हैं कनेक्टेड हमारे आईफोन के साथ। अब मैं ये देव को पहनाऊंगा और हम बताएंगे कि ये इसकी कैसी लग रही है देव पे। इसको देव पहनेगा, मैं आपको दिखा दूँ। हाय गाइस, ये देव है मेरा फ्रेंड, मैं आपको दिखा दूँ। अब इस पे हम चेक करने वाले हैं कि कैसी लगती है इसको, और ये हमें बताएगा कि साउंड क्वालिटी कैसी है। अब ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। मैं कोई सॉन्ग प्ले कर देता हूँ कि जिससे अब देव हमें बता सकता है कि साउंड क्वालिटी कैसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं देव पे, देव भी काफ़ी स्मार्ट है इसीलिए हेडफोन्स अच्छे लग रहे हैं उस पे। उस तरफ से दिखा काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है इनका। चलो अब म्यूज़िक मैं ऑन करता हूँ और इसको देव चेक करेगा कि साउंड क्वालिटी कैसी है। आ रही आवाज़? काफ़ी अच्छी है, बहुत बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, तेरी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे। मुझे भी बाहर आवाज़ सुनाई दे रही है साउंड की, जो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी लाउड साउंड और क्रिस्प साउंड होने वाला है जैसे ही तो लग रहा है मुझे। चलो अब इससे हम डिस्कनेक्ट करते हैं, अब एक एंड्रॉयड फ़ोन में चेक करते हैं कि कैसी हमें होती है। ये हमने अपने इसका ब्लूटूथ ऑन कर दिया है फ़ोन का। अब हम देखते हैं इस पे भी, एंड्रॉयड से भी हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसी लगती है इसकी साउंड क्वालिटी। चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। हम कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या ये वर्थ बाइंग है डिवाइस या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है 2000 की प्राइस रेंज में इतनी कंफर्टेबिलिटी और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कोई और हेडफोन्स नहीं देने वाले। ट्रू वायरलेस की तरह है, जैसे इसमें कोई डेडिकेटेड हेडफोन जैक 3 mm का वो नहीं दिया कि आप इसके साथ कोई केबल वगैरह लगा के नहीं कर सकते बैटरी ख़त्म होने पर। 11 hours का बैटरी बैकअप दिया गया है, बट मेरे को लगता नहीं है कि ये पूरा उतना होता होगा, इसीलिए मुझे तो लगता है कि अराउंड ये देता होगा 8 to 9 hours की ये बैकअप देता होगा। इसको कनेक्ट करना, मैंने ऑन कर दिया है। अब ये कर रहा है कनेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं। आईफोन से डिसकनेक्ट किया, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ोम में दिया गया है, इसके एयर कप्स हैं जो कोई एक्स्ट्रा एयर कप्स नहीं मिलते हैं कि अगर ये डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए अलग होने के लिए कि वॉशेबल वगैरह नहीं कर सकते। अब ये कनेक्ट कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। अब करो ऑन, अब ये दिक्कत दे रहा है, अब हो जाएगा कनेक्ट क्योंकि अब पेयरिंग मोड पे चला गया है। अब वो देव कुछ इसमें गाने लगाएगा और वो हमें बताएगा कि क्वालिटी किसकी ज़्यादा बढ़िया है, एंड्रॉयड की या आईफोन में इसकी ज़्यादा। मेरे को तो लगता है दोनों तरफ सेम ही होने वाली है, बट चलो ट्राई करने में क्या जाता है, आप लोगों को जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उतना ही अच्छा। ओवरव्यू की बात की जाए तो दोस्तों स्टाइलिश तो है, काफ़ी लग रहा है, आप भी देखिए। थोड़ा JBL है, छोटा ब्रांड नहीं है, बड़ा ब्रांड है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ये बाय करना है कि नहीं। सेम रिस्पॉन्स है दोनों में, तो जैसे देव ने अब बता दिया कि सेम ही है रिस्पॉन्स दोनों में,
तो आप ये डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, चाहे आप iOS यूज़र हैं या एंड्रॉयड यूज़र हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो इन JBL की, उसकी मैं आपको आवाज़ सुना दूँ पास से। चलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जिसमें मैं इसका शायद लॉन्ग टर्म रिव्यू भी डाल दूंगा कि मैंने ये एक मंथ या 15 दिन चलाया है और मुझे इसको यूज़ करने में कैसा लगा है। तो ये थे दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीस आउट।